जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका जयवाला जी क्लासेस में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में और राष्ट्रपति के अंतर्गत शवपथम क्या पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के अंतर्गत शवपथम पढ़ेंगे हम दोस्तों राष्ट्रपति पति की एकता की पूर्ति के बारे में लेकिन दोस्तों उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इससे पहले जो है राष्ट्रपति संबंधित हम चार अन्य वीडियो अपलोड कर चुके हैं तो जो भी स्टूडेंट राष्ट्रपति को प्रारंभ से और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहता है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा जहाँ पर उसे इन अन्य चार वीडियो की लिंक मिल जाएगी आइए दोस्तों देखते हैं राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति के बारे में तो दोस्तों राष्ट्रपति का जब पद रिक्त हो जाता है तो उसकी रिक्तता को भरने के लिए कराए जाने वाले चुनाव एवं उसके कार्यकाल संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए हुए हैं तो किस अनुच्छेद में दिए हुए हैं अनुच्छेद बासठ में दिए हुए हैं साथ ही साथ दोस्तों अनुच्छेद बासठ में और क्या कहा गया है तो दोस्तों अनुच्छेद बासठ में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाना चाहिए तो आइए दोस्तों देखते हैं कि राष्ट्रपति के पद की रिक्तता को भरने के लिए कराए जाने वाले चुनाव एवं उसकी पदावधि अर्थात कार्यकाल संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है तो किस अनुच्छेद में दिया गया है अनुच्छेद में दिया गया है साथ ही साथ दोस्तों अनुच्छेद बासठ में कहा गया है कि राष्ट्रपति पदावधि अर्थात कार्यकाल समाप्त तो होने के पूर्व ही नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा ठीक चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों इनडी प्रेसिडेंशियल पोल उन्नीस के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है क्या कहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही उसका चुनाव करा लेना अनिवार्य है और इसे किसी भी आधार पर टाला नहीं जा सकता है यह जो प्रावधान है दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे अनुच्छेद छप्पन एक गाह के अधीन है कैसे अधीन है तो दोस्तों अनुच्छेद छप्पन एक गाह में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त हो जाने के पश्चात भी तब तक अपने पद पर बना रहता है कि जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अर्थात नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है तो आइए दो, दोस्तों देख लेते हैं कि इनरी प्रेसिडेंशियल पोल 1974 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के पूर्व भी उसका चुनाव करा लेना अनिवार्य है और इसे किसी भी आधार पर टाला नहीं जा सकता है ठीक यहां पर दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है कि यह प्रावधान अनुच्छेद छप्पन एक गा के अधीन है अर्थात राष्ट्रपति अपनी पदावधि अर्थात कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अर्थात नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है ठीक चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु त्यागपत्र महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो उस रिक्तता को भरने के लिए कितने माह के भीतर चुनाव करा लेना अनिवार्य है तो दोस्तों छः माह के भीतर चुनाव करा लेना अनिवार्य है ठीक आइए देख तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु त्याग पत्र महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो उसको भरने के लिए चुनाव छः माह के भीतर कराया जाएगा ठीक चलिए इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ देखने योग्य है कि मध्यावधि चुनाव द्वारा निर्वाचित नया राष्ट्रपति कितने वर्ष तक अपने पद को धारण किए रहता है तो कितने वर्ष तक अपने पद को धारण किए रहता है पांच वर्ष तक अपने पद को धारण किए रहता है तो यहां पर लिख भी दिया है हमने कि उल्लेखनीय है कि मध्यावधि चुनाव द्वारा निर्वाचित नया राष्ट्रपति पद पत ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष तक अपना पद धारण करता है चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि राष्ट्रपति का पद जब आकस्मिक रूप से रिक्त होता है आकस्मिक रूप से अर्थात मृत्यु त्यागपत्र महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है तो कौन करता है दोस्तों उपराष्ट्रपति और कैसे करता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में करता है यदि दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है तो दोस्तों उस स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है यदि दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो दोस्तों उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि दातव्य की जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है यहाँ उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश के पद की रिक्तता की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है ठीक चलिए इसके बाद बात करें दोस्तों क्या अभी तक एका एक बार भी ऐसी स्थिति बनी है जब भारत का मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया हो तो दोस्तों हाँ एक बार स्थिति ऐसी बनी हुई है जब दोस्तों राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन होता है तब बीबी गिरी जो है उपराष्ट्रपति होते हैं और वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं लेकिन दोस्तों वे क्या करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं ठीक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जैसे ही भाग लेते हैं तो दोस्तों उनका उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तब उस स्थिति में दोस्तों जो हमारे न्यायमूर्ति होते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह वे भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं ठीक तो यहां पर लिख भी दिया है दोस्तों हमने एम है। भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने 20 जुलाई उन्नीस से 24 अगस्त उन्नीस तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था ठीक है चलिए दोस्तों इसके बाद हम देखें दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद तो दोस्तों अनुच्छेद इकहत्तर में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय कौन करेगा उच्चतम न्यायालय करेगा और दोस्तों उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय ही अंतिम होगा ठीक चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों यदि उच्चतम न्यायालय ने किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित कर दिए तो दोस्तों इस स्थिति में ऐसे व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्णय के पूर्व किया गया कोई भी कार्य अवैध नहीं माना जाएगा तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अनुच्छेद इकहत्तर में कहा गया है कि क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय अर्थात निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा उसका निर्णय ही क्या होगा अंतिम होगा साथ ही साथ दो, दोस्तों यहां पर देखते हैं यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित करता है तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में दोस्तों निर्णय के पूर्व की बात कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्णय के पूर्व किया गया कोई कार्य घोषणा अवैध नहीं होगा ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों इसके बाद दोस्तों एक संविधान संशोधन किया गया हमारा ग्यारहवीं ग्यारहवां संविधान संशोधन उन्नीस सौ में जिसमें दोस्तों अनुच्छेद इकहत्तर के अनुच्छेद इकहत्तर में उपखंड चार जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि उसका निर्वाचन मंडल में कुछ स्थान रिक्त है ठीक है प्रावधान के संविधान संशोधन द्वारा किया गया दोस्तों हमारे ग्यारहवीं संविधान संशोधन द्वारा किया गया ठीक तो दोस्तों आइए देख लेते हैं संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस द्वारा अनुच्छेद इकहत्तर में उपखंड चार जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल में कुछ स्थान रिक्त है ठीक चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों अतः हम कह सकते अतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो उस समय राष्ट्रपति के निर्वाचन उस समय हुए राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध नहीं माना जाएगा ठीक अतः किसी अतः यदि किसी राज्य की विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय भंग हो तब भी उसका निर्वाचन अवैध नहीं होगा या अवैध ना होगा ठीक यहां यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं हम दोस्तों यह संशोधन जो है दोस्तों डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मामले के पश्चात पारित किया गया है ठीक है दोस्तों इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें